जंगल। एक हाथी जो बांटता है मौत, जो कभी भी ले लेता है किसी की भी जान, जिसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जिसने कर दिया है सबकी नाक में दम, आखिर कैसे काबू में आएगा ये गुस्से वाला गजराज। अपनी इस खास पेशकश में आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे हाथी की कहानी जिसे पकड़ने के लिए न जाने कौन कौन से तरीके अपनाए गए, लेकिन ये हाथी किसी की पकड़ में नहीं आया। दिन 10 फरवरी साल 2011, उत्तराखंड में यह हर रोज की तरह एक सर्द सुबह थी। सीता देवी अपने घर के कामकाज को निपटाकर मवेशियों के लिए चारा इकट्ठा करने के लिए बाकी महिलाओं के साथ जंगल के लिए निकल गईं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उनकी मुलाकात मौत से होने वाली है। मौत जो इस हाथी की शक्ल में उनका पीछा कर रही थी। सीता देवी घास काट रही थी, अचानक जोर से एक आवाज हुई। सीता देवी हैरान हो गई, वो बदहवास होकर इधर उधर भागी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, इस जंगली हाथी ने उन्हें कुचल कर मार डाला। वो इस मासूम से दिखने वाले हाथी का पहला शिकार थी। बाकी महिलाओं की किस्मत अच्छी थी कि वो उस दिन इस जंगली हाथी के कहर से बचकर भाग गई। हमको जंगल में जो उनके साथ गए हुए थे, उन औरतों ने 1:30 बजे हमको घर में बताया। फिर वही दो औरतें साथ में गए, यहाँ से आदमी गए, पुलिस गई, जंगलात के आदमी गए, फिर ढूंढा तो लाश मिल गई। उत्तराखंड का ये इलाका बेहद खूबसूरत है। दिलकश वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये सब देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता कि यहां हर पल एक अनजान खतरा मंडराता रहता है। सीता देवी की मौत तो महज शुरुआत थी, इसके बाद अगले 11 महीने तक यहां मौत का तांडव चलता रहा। वो जंगली हाथी मौत बांटता रहा। डर के मारे लोगों ने घरों से निकलना तक बंद कर दिया। खासकर रात को तो यहां की सड़कें सुनसान हो जाती। शुरुआत में तो वन विभाग ने पहली दो मौतों को महज हादसा बताया, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में इस तरह की घटनाएं आम हैं। ऋषिकेश के चारों तरफ राजाजी नेशनल पार्क है और वहां से हाथियों के आने जाने का रास्ता है, जिसे कॉरिडोर कहा जाता है। यानी एक ही रास्ते से हाथी भी गुजरते हैं और इंसान भी। अब जब रास्ता एक होगा तो आमना सामना भी होगा। ऐसे में कभी भी इंसान और हाथी एक दूसरे के आमने सामने आ ही जाते हैं और कोई ना कोई हादसा हो ही जाता है। लेकिन हादसों का ये सिलसिला तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। तीन अक्टूबर को इस हाथी ने अव्वल सिंह नाम के शख्स की जान ले ली। ये इसका 7वां शिकार था। इसके बाद जाकर वन विभाग ने माना कि यह हाथी वाकई मौत बांट रहा है। 42 साल के ओम प्रकाश राणा को भी इसी हाथी ने मौत के आगोश में सुला दिया। एक रात वो स्कूटर से आ रहे थे कि तभी उनके सामने आ गया एक विशाल काय हाथी। हाथी को देखकर स्कूटर का संतुलन बिगड़ गया।
और ओम प्रकाश राणा नीचे गिर गए। इसके बाद हाथी ने उन्हें अपनी सूंड में लपेटा, जमीन पर पटका और अपने पैरों से कुचलकर मार डाला। यहां रहने वालों को ये हाथी अक्सर हाथियों के एक छोटे से झुंड के साथ ऋषिकेश के पास सटे हर्बल गार्डन में दिखता था। और ओम प्रकाश राणा की मौत के बाद वन विभाग की भी नींद खुल गई। लेकिन इस हत्यारे हाथी को पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना शायद वो समझ रहे थे। ये हाथी बेहद चालाक था। वो वन विभाग के लोगों को चकमा देकर घने जंगल में भाग जाता। हाथी जंगल में जाता तो लोगों को लगता कि शायद उन्हें उसके आतंक से छुटकारा मिल गया है। लेकिन मौत का ये सौदागर कुछ दिन बाद फिर लौट आता और फिर से शुरू कर देता मौत बांटने का अपना काम। जब इस हत्यारे हाथी को पकड़ने की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तो उत्तराखंड वन विभाग ने दूसरे राज्य से मदद मांगी। हाथियों को पकड़ने में महारत हासिल करने वाले दीपेन कालिता और महावत रावा नवंबर के पहले हफ्ते में ऋषिकेश पहुंचे। अपने राज्य में इस तरह के कई हाथियों को पकड़ने वाले कालिता ने हत्यारे हाथी को पकड़ने के लिए एक खास रणनीति बनाई। यहाँ काफी दिनों से हमको बोला गया था एक हाथी तस्कर ने यहाँ थोड़ा आदमी मार रहा है, कंटिन्यूसली रिपीटली आदमी मार रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग को यहाँ बुलाया गया था आसाम नॉर्थ ईस्ट से। जैसे वन विभाग का कहने का अनुसार यहाँ से वो लोग हाथी को ट्रांसलोकेशन करेंगे, यहाँ से हाथी को ट्रैंक्लोज करके हाथी को फिर ट्रक में डालेंगे, ट्रक में डाल के जहाँ ये बड़ा जंगल है वहाँ जंगल में छोड़ देंगे। क्योंकि हाथी को इधर उधर जाने का जो प्रोसेस था पहले का, वो प्रोसेस सब खत्म हो गया। तो इसलिए हाथी थोड़ा गुस्सा में है, कोई आदमी नज़दीक जाता है तो मार देता है। यही नहीं, इसके अलावा कॉर्बेट नेशनल पार्क से 3 हाथियों को भी बुलाया गया। साथ ही राजा जी राष्ट्रीय पार्क के वरिष्ठ अधिकारी और करीब 2 दर्जन वन गार्ड भी इस इलाके में करीब 1 महीने तक रहे जहां ये हाथी दिखाई देता था। एक हाथी को पकड़ने के लिए ये इतना बड़ा ऑपरेशन शायद ही कभी चलाया गया हो, लेकिन ये ऑपरेशन फेल हो गया। सबने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन हाथी पकड़ में नहीं आया, बल्कि इसने फिर अपना खूंखार रूप दिखाया। वो दिन था 22 नवंबर। इस हत्यारे हाथी ने फिर हमला किया, लेकिन इस बार उसका शिकार कोई इंसान नहीं बल्कि एक हथनी बनी। गोमती नाम की इस हथनी को उस हत्यारे हाथी की तलाश के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क से लाया गया था। इस हमले में गोमती बुरी तरह घायल हो गई। वो 29 नवंबर की रात थी जब हाथी को पकड़ने गई इस टीम ने उसे बेहोश कर दिया, लेकिन अंधेरे की वजह से उसे घने जंगल से बाहर नहीं लाया जा सका। यह हाथी मौत बांटे जा रहा था, हमले पर हमले किए जा रहा था। अब तो यह ऋषिकेश हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों को भी अपना निशाना बनाने लगा था। इस हाथी की वजह से पूरे ऋषिकेश में दहशत फैल गई। वन विभाग की साख पर सवाल खड़े हो गए। फरवरी से नवंबर तक 8 महीने में इस हाथी ने 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और इसके हमले में कई लोग घायल भी हुए थे। इस हाथी के आतंक को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्य वन अधिकारी दिग्विजय सिंह खाटी ने हाथी को पकड़ने की इस मुहिम की कमान अपने हाथों में ली। उन्होंने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के विशेषज्ञों को अपनी टीम में शामिल किया।
डॉक्टर पराग निगम भी इस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने उस हत्यारे हाथी को बेहोश किया था। हाथी को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गईं। कभी कभार कोई टीम इस हाथी के पास पहुंच भी जाती लेकिन ये चालाक हाथी उन्हें चकमा देकर भाग जाता। कोशिश यह है कि इस हाथी को हम लोग यहाँ से इसकी जो होम रेंज है उससे बाहर लेकर के कहीं उत्तराखंड के जंगलों में इसको डालेंगे जिससे कि जहाँ इसके लिए काफ़ी अच्छा हैबिटेट हो। और फिर भी हम सचेत हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इस जानवर के साथ साथ कोई और जानवर भी अगर इस वक्त वारदात कर रहा हो तो उसके विषय में भी हम ये चाहेंगे कि जनता और हमारा स्टाफ कॉन्शियस रहे। हमारी जो यहाँ पे पेट्रोलिंग है वो जारी रहेगी। वैसे आपको बता दें कि हाथी आमतौर पर शांत रहता है, वो अपने में मस्त रहता है, किसी को परेशान नहीं करता। लेकिन शांत रहने वाला ये जानवर इंसानों को देखने का आदी नहीं होता। ऐसे में जब बार बार इसका सामना इंसानों से होता है तो वो परेशान हो जाता है और अपना आपा खो सकता है। हालांकि हाथी जब भी गुस्से में लोगों के पीछे भागता है तो उसका इरादा उन्हें मारने का नहीं बल्कि सिर्फ उन्हें डराने का होता है। हमारा सामना भी जब कॉबेट में एक हाथी से हुआ तो उसने हमारी गाड़ी को देखकर हमें वहां से भगा दिया। कभी कभी ये मतवाले हाथी इंसानों के लिए खतरा बन जाते हैं। ये हाथी कई बार बेहद आक्रामक हो जाते हैं और किसी पर भी हमला कर देते हैं। हालांकि ऐसा साल में एक ही बार होता है। इस बीच ऋषिकेश का यह मौत बांटने वाला हाथी अभी तक पकड़ में नहीं आया था और वन विभाग के 50 लोगों की टीम के साथ लुक्का छुपी का खेल खेल रहा था। पूरी टीम हताश हो गई थी। इसके बाद वन विभाग ने मुरादाबाद से शिकारी संजय सिंह को बुलाया। संजय और उनकी टीम एक हफ्ते तक उस हाथी को पकड़ने के लिए जंगल में घूमती रही लेकिन यह हाथी उनकी पकड़ में नहीं आया। हाथी को पकड़ने में लगी ये टीम निराश हो चुकी थी। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हाथी के चंगुल से बाल बाल बचे। ऐसे ही एक शख्स हैं इनाम अली। 12 तारीख को मतलब ऐसा 3 बजे का टाइम था, मैं नीचे जा रहा था और आगे से आया, जैसे मेरे पीछे मैं दौड़ता हुआ पीछे भागा, फिर उसने कम से कम आधे किलोमीटर पीछे दौड़ा मेरे को। अच्छा। आधे किलो दौड़ने के बाद फिर जिस टाइम नजदीक ही आ गया फिर मैंने कूद गया और छलांग मारी। छलांग मारने के बाद मेरे घुटनों में भी दर्द होगी नीचे ना, फिर वो आगे मेरे ऊपर खड़ा हो गया। ऐसे जिस टाइम ऊपर खड़ा हो गया मैं नीचे चले गया, फिर मैंने सोचा मैंने अब तो सामने ही ऐसे ऊपर खड़ा हुआ। अब मैं वहां से थोड़ा नीचे उतरा, उतर के फिर उससे बाद थोड़ा आगे हो गया मैं और आगे से उतर के वो वहीं को आ रहा था जहाँ मैं नीचे उतरा, फिर मैं वहीं से चढ़ा, फिर चढ़ने के बाद फिर मैं इस बिट्टे में चढ़ा, फिर इधर से होकर फिर मैं डेरे पे पहुंचा। वन विभाग ने इस हाथी को पकड़ने के लिए कई जगह कैमरे भी लगाए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब हाथी पकड़ में नहीं आया तो वन विभाग ने दूसरे संगठनों के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करने का काम किया। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के लोगों ने वहां के लोगों को बताया कि वो हाथी के कहर से कैसे बच सकते हैं। 10 साल पहले भी दुकानें थी, आज भी दुकानें, अगर दुकान देख के भी आता, जंगल भी बंद हो गया, दुकानें भी बंद हो गई, फिर कहें घूमना भी बंद कर दो,
हॉस्पिटल रहना भी बंद कर दो। दांत किस किस चीज में हमने मोटिवेशन करना, पहले तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, हम कहाँ कहाँ पर सहयोग करें। अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के अंदर न जाए, अंदर जाना मजबूरी भी है आपका और आपका जो एक जीने का स्टाइल है उसका भी एक हिस्सा है। कई सालों से राजाजी पार्क और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बीच हाथियों के आने जाने का रास्ता यानी कॉरिडोर बना हुआ था, जहां से हाथी आराम से आया जाया करते थे। लेकिन अब इंसान ने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए इस रास्ते में ही शहर बसा लिया है। कोटद्वार के 3 किलोमीटर अंदर बसा यही वो इलाका है जो कॉर्बेट और राजा जी के बीच का कॉरिडोर था। यहां से कभी हाथी आया जाया करते थे, लेकिन इंसानों ने इस रास्ते को लगभग खत्म कर दिया। अब यहां लोग रहते हैं। कॉरिडोर का ये इलाका अब सिर्फ 1 किलोमीटर का ही बचा है। जानकारों का मानना है कि अगर उसे खत्म कर दिया गया तो 2 जंगलों के बीच हाथियों के आने जाने के लिए बना सबसे अहम कॉरिडोर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सदियों से जो हिमालय के नीचे की बेल्ट है, जिसको सब तराई बोलते हैं, ये पंजाब के बल्कि जम्मू के नीचे से स्टार्ट होके ये आसाम तक जो है ये एक कंटिन्यूड बेल्ट थी, जिसके अंदर एलिफेंट्स की माइग्रेशन हुआ करती थी। और ये जितने भी आप देख रहे हैं बीच में जो डेवलपमेंट हुआ, तो बीच में रोड्स बन गई, बीच में टाउनशिप्स आ गई, तो उससे जो सारे कॉरिडोर्स हैं इनके माइग्रेशन के रूट कट गए। कई महीनों की कोशिशों के बाद ये हाथी अचानक ही पकड़ा गया। 4 जनवरी 2012 की सुबह हाथी हर्बल गार्डन में टहल रहा था। वहां खड़े वन कर्मचारियों को देखकर वो दौड़ने लगा, लेकिन इस बार वन अधिकारी पूरी तरह तैयार थे। उन्हें हाथी के बारे में अब काफी जानकारी मिल चुकी थी। डॉक्टर पराग को इस बार हाथी को बेहोश करने की जिम्मेदारी दी गई। और इस बार हाथी तुरंत बेहोश हो भी गया। इसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने हाथी के दांत का नुकीला हिस्सा काटा। उनके मुताबिक इससे हाथी इंसानों को देखकर ज्यादा गुस्सा नहीं करता। हाथी को पकड़ना जितना मुश्किल था, उससे ज्यादा मुश्किल था उसे ट्रक पर चढ़ाना। इस हाथी को ट्रक पर चढ़ाने में वन अधिकारियों को करीब 1 घंटा लग गया। ट्रक पर हाथी, ये नजारा आम नहीं था। ऋषिकेश की सड़कों पर जब ये ट्रक निकला तो हाथी को देखने के लिए लोगों की भीड़ इस ट्रक के पीछे पीछे चलने लगी। हर कोई उस हाथी को देखना चाहता था जिसने 11 महीने से उनकी जिंदगी नरक बना रखी थी। वन विभाग के अधिकारियों ने इस हाथी को एक नाम भी दिया, नरेंद्र। उन्होंने इसे ले जाकर राजाजी पार्क में
30 किलोमीटर अंदर चिल्ला में छोड़ दिया। To kill the animal was of course the last resort under very very special circumstances. So we preferred it to tranquilize and translocate. And the distance where it was translocated depended upon the condition of the animal, of the health of the animal. सबको उम्मीद है कि नरेंद्र इस जंगल में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा, लेकिन साथ ही एक डर भी है कि कहीं ये फिर से मौत न बांटने लगे। Jungle.